नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मक्का बोया गया है, ये बायो सीड्स का मक्का है और ये हमारे भदोही मतलब गांव है, वहां से किसान बीज भंडार मतलब इसके मालिक हैं हमारे बलदेव जी, उनके पास से ये लाए थे और उनका भी नंबर मैं बलदेव जी का डालूंगा, जो अगर यहाँ पे नज़दीक हो उनसे ले सकते हैं, फ़ोन पे आप अगर चाहें तो उनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। चैनल पे बने रहिए, चैनल पे मैं इसकी जानकारी देता हूँ कि क्या क्या है, कैसे बीज डाला गया, कब डाला गया, कितना पैदावार है, क्या क्या खाद डाली गई। स्वागत एवं अभिनंदन है, धन्यवाद। आप के थ्रू आज मैं किसानों को बताना चाहता हूं कि आपने जो मक्का तैयार किया है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये पीछे खेत आपका था, यहाँ पे आपने बताया कि मक्का जो है हमारा हो चुका है और इसको आप हार्वेस्टिंग भी कर चुके हैं, तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि इसमें बीज कौन सा डाला था और कितना आपने बीज पीछे लगाया था। बीज के परिचालक तो यही हैं, ये बता जी जी भाई साहब, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं लेकिन मैंने आपकी वीडियो अभी तक नहीं डाली है, आज आप सामने आ चुके हैं, किसान बीज भंडार भदोही, करेक्ट? तो आपके यहाँ से मैं भी बीज ले जाता हूँ और काफी आपने जो चेरी का बीज दिया उसका वीडियो मैं जल्द किसान को देने वाला हूँ, उससे बहुत अच्छा मुझे फायदा मिला। तो चलिए सोनल जी, आप ये बताइए कि इसमें सीड, इन्होंने बताया कि हमको बायो सीड डाला था इसलिए मैंने पहले बताया बायो सीड डाला है, तो ये ये आपकी इसमें 400 ग्राम 500 ग्राम दो मानक आपने डिसाइड किया, तो आप कितना लेते हैं? देखिए, जैसे जब आप फरवरी और मार्च में बुआई करेंगे जी, तो आपको 500 ग्राम पर बिस्वा के हिसाब से, यानी कह सकते हैं आप जी कि 5 किलो पर बीघे के हिसाब से, मतलब जो है पर बीघा 5 किलो, तो फिर 500 ग्राम हो गए, सॉरी तब तो 250 ग्राम बिस्वा हो गया, 10 किलो के, 10 केजी 500 ग्राम का लगभग, गर्मी में 500 ग्राम, बारिश में 400 ग्राम जी जी। कारण क्या है कि जब गर्मी ज्यादा रहती है तो आप कितनी भी सिंचाई करते रहें, नमी कितनी भी देते रहें, हाँ, लेकिन जो जमाव है जी, बीज का जमाव है वो 20% रुक जाता है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, मैंने काफी रिसर्च किया, काफी देखा मैंने मकाई के खेतों में जाकर के, जो हमारा जो जीरा आप देख रहे हैं, जो जीरा लगा हुआ है खेत में, तो जीरा अगर जब टेम्परेचर हमारा 35 से ऊपर जाता है तो इसका जो परागकण होता है, जो बाल के साथ में जो मूछें होती हैं बाल की, उसके साथ में परागकण होता है, तो ये अगर ये प्रभावित होता है गर्मी की वजह से, उसके बैक्टीरिया जो है खत्म हो जाते हैं, तो जब बैक्टीरिया जब जितने कम हो जाएंगे उतना ही जो है परागकण हमारा कम होगा, तो दाने जो है कम बैठते हैं, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये गर्मी में सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है, काफी लोग आजकल रेन पाइप से या स्प्रिंकलर से इसकी बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर को शाम को मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको भी ये चीज करना चाहिए, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, अगली बार मैं चाहूंगा कि आप वैसे ही पैदावार कीजिए और अच्छी पैदावार लीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे जानकारी लेकर के, इसमें आपने फर्टिगेशन के नाम पे अभी तक क्या किया है? देखिए, फर्टिलाइजर में हमने बहुत कुछ यूज नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास एक पिक फार्म है, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, जी 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 मैं देख रहा हूँ जी जी, गाय और भैंस का गोबर, जी जी, पड़ा हुआ खाद और जो वेस्ट जाता है, जो वहाँ पानी कलेक्ट करते हैं जी, उसी पानी से हम इनकी सिंचाई कर देते हैं जी, उससे इनको एक नई ताकत मिलती है। हाँ, इसमें दिख रहा है जो हमने गड्ढा आपने बनाया हुआ है, वो गड्ढा यहाँ किसान भाई देख सकते हैं, वो वेस्टेज आप जो पानी हुआ तो आप पानी इससे सिंचाई करते हैं, तो इससे मतलब आपको कोई फर्टिगेशन की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अभी मैं कह सकता हूँ कि जैसे भी मैंने पीछे हार्वेस्टिंग करने के बाद में अभी दूसरी बुआई करी है, तो इसमें मैंने रेजेंट वगैरह यानी दीमक की दवा वगैरह नहीं डाली है, और मैं धीरे 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 जो फर्टिलाइजर है उसको छोड़ करके जी, मैं जैविक की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर रहा हूँ, जो यहाँ से जैविक खादें तैयार हो रही हैं, जैविक खाद बनाने और उपयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके कि आप धीरे धीरे जैविक की तरफ चल रहे हैं, और हमको एक जो हमारी खोज है, हमारा जो चैनल है, हमारा एक चैनल का मिशन ये है कि जहर मुक्त भारत, तो जहर मुक्त भारत में आप जुड़े हैं हमारे साथ, हमको बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ करके। किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो आपसे आकर के कुछ सीखें कि जैविक अगर हम चाहें तो अपने ही घर में परंपरागत ही जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, और हमारी कई वीडियो ऐसी भी डाली हैं हमने जो जैविक खाद हम बनाते भी हैं और दिखाते भी हैं, लोग किसान आकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए सर, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका अगेन मैं चैनल पर स्वागत करता हूं कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला है, और
जब मक्का आपका तैयार हो जाएगा तो मैं आपके पास आऊँगा जरूर इसका स्वाद देखने। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जम के शेयर करें किसानों को, जिससे कि जैविक खेती के बारे में भी जानकारी मिल सके। नमस्कार।